खबर आ रही है शामली से, जहां भू माफियों के द्वारा एक महिला की जमीन पर जबरन कब्जा कर अवैध मिट्टी खनन का मामला सामने आया है, जिसके बारे में पीड़ित परिवार ने प्रेस वार्ता कर दबंगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार की जा रही शिकायतों के बावजूद भी संतोषजनक कार्रवाई न होने की बात कही गई है। पीड़ित परिवार ने दबंगों से अपने जान माल की सुरक्षा व आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। ठीक है जी, मेरा नाम गया सा जी, मैं भगवान के रहने वाली थी। मेरे जमीन पर कब्जा कर रखा जी, जोड़ लगाए थे एटीएम ने आकर, एटीएम ने आकर तो हटका, फिर जो मिट्टी ठाई हटका, फिर कब्जा कर लिया। मैं नहीं देते हैं, किन लोगों ने कब्जा कर रखा? ताई रहा जी, उसका श्यामा है जी, और अरसद है, आदिफ है, और चार पाँच है वे, और कम नाम नहीं जानती। कितनी जमीन है जी? मैं 13 बीघा जमीन है, और 13 उस पर 1 बीघा पर कब्जा कर रखा जी, 4 फुट माटी ठा रखी, मेरी खड़ी फसल खा दी थी। कितने दिनों से चल रहा मामला? तो जी लॉकडाउन में भाई थी वाजी जी, तो हमारा फिर कब्जा दिला था, उनका बिगड़ गया ढोल जाए थी, तो पहली तारीख तक फिर पर रखा जो हमने वो मैटी खाई, और वो जो हम लगे पान था मेरे डंडे लेकर आई हूँ, जब का जो रुक लगे तो उन्हें मारपीट करी जी, अजी बच्चे आए ताले वाले से, और फिर हम डरते चलते नहीं जी वहाँ से। तो शिकायत करी किसी ने? शिकायत जी हाँ, डीएम का भी करी, एसडीएम का भी करी जी, मेरी कोई कायदा खा अरे कोई कुछ नहीं है, थारा कुछ बिगड़ने का मार हुआ सो बात बताई, और थे डोल लगवा देंगे तो कार्रवाई करनी नहीं। क्या चाहते हो? हम तो हमने जमीन चाहिए जी, हमने क्या चाहो, जो हमारे काम जो जमीन है वो चाहिए हमको, और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए जी। जो पड़ोसी है हमारे दूसरे, उन्होंने उस फसल को है ना बग डेढ़ बीघा के आसपास, एक बीघा जमीन काट के वो मिट्टी